हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजना भारद्वाज। तो दोस्तों, आज मैं सुबह से थोड़ी सी बिजी थी, आज मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक है। और मैं गई थी, अपना राशन मिलता है यहाँ पे, वहाँ लाने के लिए मैं स्कूटी में राशन ले आती हूँ। या कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं होता मेरे साथ ना, कि मैं बता सकूँ कि मैं स्कूटी में कितना सामान लेके आ जाती हूँ। और अपने जो मेरा घर है ना, यहाँ पे इतना सा रास्ता, वहाँ पे भी मैं स्कूटी चला के घर तक सामान पहुँचा देती हूँ। तो मैंने पहले वो काम निपटाया एंड अब मैं कपड़े वपड़े धो रही हूँ, सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब करके गई थी। अब मुझे नहाना है, और क्योंकि वहाँ पे गंदे हो जाते हैं सामान लाते लाते, और मुझे करने हैं कपड़े, रखे हैं मैंने मशीन में धोने के लिए। तो दोस्तों, मैं कपड़े धो के आ गई, मैंने मशीन में डाल दिए कपड़े। फिर आके भी मुझे बहुत सारे काम थे, बहुत सारे काम के कपड़े थे, फिर नहाना भी था, फिर थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह करनी थी, बाकी झाड़ू पोछा तो मैं करके ही गई थी। तो यहाँ पे मैं कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ, और आपको वेदर भी दिखा रही हूँ कि वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, मौसम भी काफ़ी साफ़ हो गया। आजकल तो बारिश हो रही थी, आज जब मैंने रेमेडी लगाई ना तब बारिश हो रही थी, और आज जब मैंने रेमेडीज़ कुछ नहीं लगाई तो धूप आ गई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि यार, जब मैंने कुछ काम करने होते हैं ना इंपॉर्टेंट, तब बारिश आ जाती है। जब मुझे धूप चाहिए होती है तब बारिश आ जाती है, जब बारिश चाहिए होती है तब धूप आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। और दोस्तों, आज पता नहीं क्यों यार मेरा ना थोड़ा सा, मैं डिमोटिवेट सी भी हो रही थी, तो पता नहीं क्यों कभी कभी मैं, मुझे लगता है कि मैं मतलब यूट्यूब छोड़ दूँ, मेरा ऐसा दिल होता है। बट मैं सोचती हूँ नहीं यार, मैं इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से, स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। बट कभी कभी ऐसा ख्याल मेरे मन में आ जाता है यार, मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मतलब कभी व्यूज़ अच्छे आते हैं, कभी व्यूज़ कम आते हैं, बट मैं वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। बट मुझे पता नहीं क्या हो जाता है यार, अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। बट ना, जब मैं ऐसी कुछ फीलिंग मेरे मन में आती है ना, तो यूट्यूब में एक मनोज दे हैं, उनको काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, और वो काफ़ी यार मोटिवेशनल बातें बोलते हैं ना, उनसे मुझे काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। तो आज जब मैं मतलब जब जैसे उन्होंने आज नई वीडियो डाली तो मैंने वो देखी, तो यार ऐसे लगता है जैसे मेरे लिए ही बनाई हो उन्होंने वीडियो। उन्होंने बोला है कि कभी भी आप डिमोटिवेट मत हो, उन्होंने खुद अपनी स्टोरी बताई कि कैसे करके मैं कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, कैसे कितना स्ट्रगल मैंने किया है कि मुझे भी ग्रो, मेरे चैनल को भी ग्रोथ होने में कम से कम 2-3 साल लगे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 2-2 चैनल बनाए थे, वो नहीं चल पाए, 6-6 महीने तक उन्होंने रेगुलर वीडियो डाली पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे तो वो चैनल नहीं चल पाए। फिर एंड में उन्होंने टेक वाला चैनल बनाया, तब वो 1-2 साल के बाद वो चला, वो 1-2 साल तक तो कुछ व्यूज़ नहीं आते थे, कुछ नहीं होता था। पर कह उन्होंने बोला कि मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे काम करना है, तो मैं मतलब वो अपनी वीडियो डालता रहा रेगुलर, भगवान भी देखते हैं आप ज़रूर एक दिन सफल होगे। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर लाएगी। तो वो खुद यार उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, 2014 से लेके 2023 तक का उन्होंने सारा सफ़र बताया। मैंने उनकी आज ना सारी वीडियो देखी यार, मतलब मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई इस वीडियो को देख के, और मुझे इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेट हुई मैं इतनी ज़्यादा कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये सच बोल रहे हैं, देखो इतने बड़े यूट्यूबर हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अब हो चुकी है शाम, और मैं बच्चों को पूछी थी कि आप सुबह क्या लेके जाओगे स्कूल के लिए, क्योंकि उनके डैडी शिमला मिर्च ले आए हैं, तो बच्चे कम ही पसंद करते हैं शिमला मिर्च, अगर देनी भी हो तो मैं उनको आलू आलू छान के देती हूँ। तो उन्होंने बोला मम्मा हमको ना पनीर की भुर्जी दे देना, या आलू मैंने आज दे दी थी फ्राई करके, तो कल मैं दूंगी उनको पनीर की भुर्जी। और पनीर निकालूंगी मैं घर पे, और दुकान से भी अच्छा पनीर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, और वो प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं पनीर निकालती हूँ। अगर आप इस तरह से निकालोगे तो बहुत ही बढ़िया पनीर बन के रेडी होगा। तो पनीर निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है दूध की, है ना। तो दूध ये है मेरे पास, ये है मेरे पास दूध, और हमारा इधर फुल क्रीमी दूध मिलता है, क्योंकि ये भैंस का प्योर दूध होता है, तो ये फुल क्रीमी होता है दूध। एंड इधर साथ में मैंने मलाई भी रखी हुई है, और साथ में इसमें मैं दूध डालूंगी जितना मेरे को चाहिए पनीर बनाने के लिए। और पता है जो लोग शहरों में रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो फुल क्रीम दूध ला के ना घर पे निकाल सकते हैं पनीर,
तो मैं तो गांव में हूँ तो मेरे को तो फ़ायदा है। तो सबसे पहले मैं इतना सा जितना मेरे को पनीर चाहिए, मैं मुझे बच्चों के लिए ही चाहिए तो इतना सा दूध में डाल दूंगी, ठीक है। और साथ में मैं आपको पता है मैं मलाई दूध से मलाई भी निकालती हूँ, तो वो थोड़ी सी यानी कि इतनी सी, ताकि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में पनीर निकालूंगी मैं भी खा लूंगी थोड़ा सा, तो थोड़ी सी मलाई भी इसमें डाल दूंगी, थोड़ी सी मलाई दे, थोड़ी सी मलाई भी मैंने इसमें डाल दी। हाँ थोड़ी सी क्या, मैंने ज़्यादा डाल दी, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खा लेंगे बच्चे, स्कूल से आके भी खा लेते हैं, तो मलाई डाल दी। अब इसमें डालेगा दही, दही है तो दही मैं डालूंगी इसमें, दही तो जितना डालू आप, 2-3 चम्मच मैंने डाल दिए दही के, और इतना सा दही मैंने बचा लिया है क्योंकि मैं अब दही भी जमने के लिए डालूंगी, ठीक है। ये तो दूध जाएगा मेरा सारा पनीर के लिए, और इसमें डालूंगी मैं दही, ठीक है, इसका मैं दही जमा लूंगी। एंड अब इसको रख देते हैं गर्म करने के लिए, जब इसके फट 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 की निशान हो आवाज होगी ना, तो चलो अब इसको फटने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों दूध हमारा फट चुका है अच्छे से, ठीक है, और पानी अलग हो चुका है और पनीर अलग हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे निकालूंगी। एंड दोस्तों मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये मेरा दूध फट चुका है अच्छे से, अब मैं इसको निकाल दूंगी। ये मेरा पनीर बहुत अच्छा निकला है, बहुत अच्छा निकला है मेरा पनीर। एंड इसको अब मैं इस कटोरी में पनीर पनीर को ट्रांसफ़र कर दूंगी, ठीक है। एंड बाकी ये जो बचा है इसको तो मैं हाथ से कर लूँगी। एंड दोस्तों ये पनीर कुछ यहाँ ये भी रह गया पतीले में, इसको भी मैं अच्छे से निकाल लूँगी। इसको तो अगर आप ऐसे खाओगे ना ऐसे भी, और चीनी के साथ डाल के खाओगे तब भी बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे खाओगे तब भी बहुत टेस्टी लगेगा, जो कितना प्यारा, और इसका टेस्ट स्मेल इतनी प्यारी आ रही है ना, स्मेल नहीं इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना कि अभी खाने का दिल कर रहा है कि इसको कच्चा ही खा जाऊं। तो मैं सारे को अच्छे से निकाल दूंगी, और ये जो पानी बचा है ना इसको फेंकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ये पानी बहुत ही हेल्दी पानी है, इसको चाहो तो आप पी भी सकते हो, या तो फिर आप कढ़ी निकालते हो तो कढ़ी में डाल के जो लस्सी होती है उसमें इसको मिला के कढ़ी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लाजवाब कढ़ी बनती है। तो इसको बिल्कुल नहीं फेंकना, इसका आटा भी गूंद सकते हो, पूरियों के लिए आटा गूंद सकते हो, मतलब शाही पनीर बना रहे हो तो उसमें भी ये उसकी जो क्रीम होती है उसमें ये डाल सकते हो, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो ना ये जो फटे हुए दूध का दूध होता है ये भी बहुत हेल्दी, और इसमें बहुत प्रोटीन होती है, बहुत ही हेल्दी होता है। मैं तो उसको फ़िलहाल अभी पी लूँगी, फेंकूँगी नहीं मैं इसको, कि आटा मैंने गूंध लिया था तो मैं इसको पी लूँगी। और ये मेरा पनीर भी बन के बहुत मस्त वाला पनीर बन के रेडी हो चुका है, ये देखो आप कितना प्यारा पनीर बनके रेडी हुआ है। अब मैं इसको सेट नहीं करूंगी क्योंकि बच्चे लेंगे भुर्जी स्कूल के लिए, तो मैं इसको सेट नहीं करूंगी। अगर आप सेट करना चाहो तो सेट करने की भी जरूरत नहीं है, प्लेट में निकाल लो और रख दो, ये सुबह अपने आप सेट हो जाएगा। तो पर मैं इसको सेट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने भुर्जी देनी है।